मैंने आप लोगों के साथ कंसाइनमेंट स्टार्ट किया हुआ था अपने लास्ट लेक्चर में, और कंसाइनमेंट में मैंने आपको कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट की बुक्स में क्या एंट्रीज होती हैं ये बताया था। आज मैं आप लोगों के साथ जो स्टार्टिंग करता हूँ, पहले मैं एक बार कंसाइनी की बुक्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और आज हम लोग क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे इसका। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी की बुक्स में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। देखो जी, सबसे पहले तो कंसाइनी ने जो हमसे गुड्स लिया वो उस गुड्स पे एक्सपेंस करेगा, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। अब लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि क्या जो खर्चे कंसाइनी करता है वो खर्चे कंसाइनी के होते हैं। वो कंसाइनर के होते हैं, कंसाइनी का खर्चा नहीं होता, लेकिन कंसाइनी की जेब से पैसा गया होता है, इसीलिए वो टू कैश या टू बैंक या टू सप्लायर करेगा। लेकिन क्योंकि खर्चा उसका नहीं है, ये पैसा उसे वापस लेना है किससे, कंसाइनर से, तो वो डेबिट कर देगा किसको, कंसाइनर, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या सप्लायर, डन। अब गुड्स आ गए कंसाइनी के पास, कंसाइनी ने ये गुड्स सेल किए, सेल बाय कंसाइनी। अब जब कंसाइनी सेल करेगा बच्चे, तो कंसाइनी को पैसा मिलेगा, बैंक या कैश, या फिर हो सकता है उधार पर हो तो कस्टमर, लेकिन वो सेल को क्रेडिट नहीं करेगा क्योंकि ये सेल कंसाइनी की नहीं है। वो किसको क्रेडिट करेगा, वो क्रेडिट करेगा कंसाइनर को, क्योंकि जो भी पैसा कलेक्ट हुआ वो पैसा उसका पेबल है टूवर्ड कंसाइनर, तो उसने कंसाइनर को दे दिया सारा पैसा या देगा। सेल हो गई, अब जो कमीशन बनती है, कमीशन बाय कंसाइनर, अब ये जो कमीशन है ये कंसाइनी के लिए एक तरीके से इनकम हो गई, तो कमीशन इनकम हो गई तो वो क्रेडिट कर देगा टू कमीशन अर्न, जो भी कमीशन उसको मिली टू कमीशन अर्न, और ये कमीशन भी उसे किससे लेनी है, कंसाइनर से लेनी है, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्न, ये आपका कमीशन की एंट्री हो गई। फोर्थ, अच्छा बैड डेट हो सकती है, डेबिट कमीशन मिलेगा तो। हाँ जी, सिर्फ कमीशन मिल रहा है ना, तो उसकी मतलब कि कैश या अभी तो ड्यू हो रहा है, अभी मिल नहीं रहा, मिलता है या पेमेंट तो फाइनल सेटलमेंट में होती है, अभी तो सिर्फ वो एक्रुअल बेसिस के अकॉर्डिंग ड्यू हो रहा है कि कमीशन जो है वो मिलेगा, रिसीवेबल है किसको, कंसाइनी को, इसीलिए वो कंसाइनी के लिए इनकम हो गई, क्रेडिट कर दी गई, और किससे मिलना है, जिस पार्टी से मिलना है यानी कंसाइनर, वो हमारे लिए एक तरीके से रिसीवेबल हो गया, तो हमने उसको डेबिट किया। बताओ कनक। अब जब मैं आपसे बैड डेट की बात करता हूं और मैं कंसाइनी की बुक्स में हूं, तो पहली एंट्री तो बैड डेब्ट की आपकी होनी होनी है कि भाई बैड डेब्ट हुआ तो आपके कस्टमर्स कम हो गए, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। दूसरी एंट्री इस चीज पे डिपेंड करेगी कि क्या डेल क्रेडिट कमीशन दी गई थी या नहीं,
इफ डेल क्रेडरे इज अलाउड, इफ डेल क्रेडरे इज नॉट अलाउड, डेल क्रेडरे अलाउड थी या नहीं थी। अगर डेल क्रेडरे अलाउड थी तो वो नुकसान किसका? विल बी ऑफ कंसाइन। अगर बैड डेप्ट कमीशन के लिए दिया गया था डेल क्रेडरे, तो वो जो नुकसान हुआ बैड डेप्ट का, वो कंसाइनी का हुआ। कंसाइनी देखो किस तरीके से शो करेगा, कंसाइनी अपनी कमीशन को कम कर देगा। कमीशन अर्न्ड, कमीशन अर्न्ड इनकम थी, अब उस बैड डेप्ट की वजह से वो इनकम कम होगी क्योंकि उसे कुछ पैसा कम मिलेगा। टू बैड डेप्ट, बैड डेप्ट का लॉस आपने इससे राइट ऑफ करना है। लेकिन अगर डेल क्रेडरे अलाउड नहीं थी तो वो नुकसान किसका? कंसाइनर का। फिर हमें जो पैसा कंसाइनर को देना है हम उसमें से काटेंगे। कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट। बताओ भाई कोई डाउट है कि क्लियर है? कंसाइनी के लिए कंसाइनर एक तरीके से लायबिलिटी है क्योंकि उसको उसका पैसा देना है, तो आपने कंसाइनर को डेबिट कर दिया सेकंड एंट्री में। रीजन बीइंग के भाई बैड डेप्ट का नुकसान कंसाइनर आपका था, मैं थोड़ी उठाऊंगा, तो कंसाइनर जो पैसा मुझे आपको देना था उसमें से बैड डेप्ट काट रहा हूँ मैं। लेकिन पहली एंट्री में क्योंकि नुकसान कंसाइनी का है तो उसकी कमीशन से काटा जाएगा। ये आपकी बैड डेप्ट की एंट्री थी। फिफ्थ, अगर कोई एडवांस दिया हुआ है कंसाइनी ने, कंसाइनी ने जब माल पकड़ा था तो उसने कुछ एडवांस दिया था, एडवांस गिवन बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने एडवांस दिया था, अब ये जो एडवांस दिया है तो उसकी क्या एंट्री करेंगे आप? कंसाइनर को डेबिट करेंगे, आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू, या तो आपने पैसा दिया, बैंक दिया, चेक दिया, या कैश दिया, या फिर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, तो उसके लिए हो गया आपके पास बिल्स पेबल अकाउंट। ये एडवांस हो गया। और इसी तरीके से फाइनल, स्क्रीन पे नहीं आ रही, क्या नहीं हो रही? तेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, किसी को भी नहीं हो रही? अब ठीक है, नहीं सर अब हो गई। तो वो एरर हो गया वो कुछ। और ये एक आ गया, ये कौन डिस्कनेक्ट हो गया था? फाइनल सेटलमेंट। अब जब फाइनल सेटलमेंट होगा उसकी भी सेम ही एंट्री है, कंसाइनर डेबिट हो जाएगा, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट, या बैंक से पेमेंट हो जाएगी या कैश से। फाइनल सेटलमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता क्योंकि फाइनल सेटलमेंट का मतलब ही है कि पे करो जो भी बनता है। तो बताओ कोई डाउट है तो बताओ, वरना नोट कर लो इसको एक बार फटाफट से। कोई बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, कौन था? कोई एंट्री रह गई हो तो मैं दोबारा बता दूं। सर मेरा रह गया था। नाम? हर्षित। आशु। आशु कौन सा, कहां रह गया? फाइव रह गई थी। फाइव रह गई थी, फाइव फोर भी सर। यस, बैड डेप्ट अलाउड और वो रह गई थी। बैड डेप्ट वाला देख लो भाई, फिर मैं बैड डेप्ट वाला दोबारा बता रहा हूं। बैड डेप्ट होंगे तो पहली एंट्री होगी आपके पास बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कंसाइनी के पास बैड डेप्ट डेबिट हो गया, टू कस्टमर आ गया। अब अगली जो एंट्री होगी वो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि क्या डेल क्रेडरे कमीशन अलाउड थी या नहीं थी। अगर डेल क्रेडरे अलाउड थी तो बैड डेप्ट का नुकसान किसका हो जाएगा? कंसाइनी का हो जाएगा।
तो कंसाइनी अपनी कमीशन से डिडक्ट करेगा उसको, कमीशन अर्न टू बैड डेब्ट। लेकिन अगर डेल क्रेडिटर अलाउड ही नहीं थी तो नुकसान किसका माना जाएगा? कंसाइनर का। तो जो पैसा कंसाइनी को देना है कंसाइनर का, वो उसमें से काट लेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट। एक बार नोट कर लेंगे। फिफ्थ तो इजी है, वो मैं करा दूंगा। फिफ्थ तो इजी है। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा प्लीज। नीचे कर दूं? यस सर, 5 और 6। हो गया जी? यस ठीक है जी सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नहीं सर। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं आपके साथ। एक टॉपिक देखना वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। जो क्लोजिंग स्टॉक किसके पास है? वो कंसाइनी के पास, बट इट इज क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक है किसका? कंसाइनर का। क्लोजिंग स्टॉक है किसका? कंसाइनर का। कंसाइनी का क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी है, क्लोजिंग स्टॉक तो कंसाइनर का है, भले ही वो कंसाइनी के पास हो। उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ले लेंगे कॉस्ट। मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल यूनिट्स कंसाइंड 1000 एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 1000 यूनिट कंसाइन की गई थी, ₹10 की एक यूनिट थी। ध्यान से देखना बिल्कुल। इसमें कंसाइनर एक्सपेंसेस जो हुए थे वो हुए थे ₹5000 हैं ये। कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस हुए थे वो हुए थे ₹3000।
और कंसाइनी के गोडाउन रेंट 1000, ये वाले खर्चे हैं, इसको भी मैं नाम दे देता हूं, कंसाइनीज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, यूनिट्स लेफ्ट 100। अब आपको वैल्यू निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक की, आपको वैल्यू निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक की। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके साथ, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम लेते हैं कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो भी कॉस्ट बची है उसमें ऐड करना कंसाइनर के एक्सपेंसेस, और वो भी प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली भी बताऊंगा कैसे। फिर आप ऐड करना कंसाइनीज डायरेक्ट एक्सपेंस, कंसाइनी के सारे खर्चे ऐड नहीं होंगे, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपके डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड हो रहे हैं। अगर आप देखो, जब आप क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस आते थे, वहीं से क्लोजिंग स्टॉक आता था। तो अगर आप लोगों को याद होगा, अगर मैं आपसे क्लास 11th की बात करूं तो एक फॉर्मूला होता था आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक उठ के इस साइड आ जाएगा। तो आप देखो क्या निकल रहा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस ही ऐड होते हैं हमेशा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में। तो फिर बच्चा कहता है, सर आपने कंसाइनर के क्यों नहीं ऐड करे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस? बच्चे, कंसाइनर के सारे खर्चे डायरेक्ट ही माने जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, एक बार गुड्स को सही सलामत कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचाने तक का जो खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक बार वो गुड्स कंसाइनी के वहां पहुंच गए, उसके बाद तो सेल एक्सपेंस शुरू हो जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, फिर वो खर्चे आ जाएंगे। तो कंसाइनर का तो काम ही क्या है, गुड्स को पहुंचाने का। तो कंसाइनर के सारे खर्चे हमेशा क्या रहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस रहेंगे। ध्यान रखना, कंसाइनी के खर्चे दो पार्ट्स में रहेंगे, डायरेक्ट अलग, इनडायरेक्ट अलग, और हमें कौन सा उठाना है अभी के टाइम पे, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जो मेरा अमाउंट आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे बात करूं तो कॉस्ट कितनी बैठेगी, 10 रुपीज ईच, कितनी यूनिट्स बची हैं, 100 1000 जी, 100 × 10 कॉस्ट आ गई 1000। कंसाइनर के खर्चे प्रोपोर्शनेट, कंसाइनर ने टोटल खर्चा कितना किया था, 5000, कितनी यूनिट्स पे, 1000 पे। द प्रोपोर्शनेट देख लो, 5000 का एक्सपेंस हुआ था 1000 यूनिट्स पे, और यूनिट्स कितनी बची हुई है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 आ गया। कंसाइनी के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस 100 जो गोडाउन का किराया है वो नहीं आएगा, गोडाउन तक माल पहुंचाने का जो खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है सिर्फ, तो 3000 आएगा डिवाइडेड बाय 1000 × 100 300, कितना हो गया टोटल, 1800। ये आपकी वैल्यू आ गई क्लोजिंग स्टॉक की। बताओ कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है तो प्लीज एक बार नोट कर लेंगे, जल्दी जल्दी नोट करो, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हो गया था। सबका हो गया? हो गया सर। यस सर। हो गया सबका? यस सर। ठीक है। यस सर। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है? अब तक जितने कंसेप्ट थे मैंने किए, एक दो कंसेप्ट हो रहे हैं इसमें, जैसे एक लॉस वाला मैंने आपको बताया था। जैसे क्वेश्चन आएगा उसके बाद हम उसको करते हैं। अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, X A sent on 1st July 2016 to Y goods costing rupees 50,000. X A जो कि क्या है, X A कौन है और Y कौन है, यानी consignor कौन है और consignee कौन है? Consignor X है, consignee Y है। बिल्कुल, ये आपका consignor, ये आपका consignee। एक्से ने गुड्स सेंड किए 1st जुलाई 2016 को वाई को, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000, 50,000 की कॉस्ट है। स्पेंड रुपीज 1,000 ऑन पैकिंग एटसेट्रा। ये 1,000 का खर्चा किसने किया है, क्या कहते हो? कंसाइनर। कंसाइनर ने, बिल्कुल। ऑन 3rd जुलाई 2016 Y received the goods and sent his acceptance. Y ने goods receive किए और उसने अपनी acceptance भेजी। Acceptance क्या होती है? Bills receivable. क्या? BR. Yes, yes. Acceptance का मतलब होगा यहाँ पे bill of exchange, यानी इसके लिए होगा bill payable. तो इसने अपना बिल पेबल भेजा एज एन एडवांस रुपीज 30,000, जो कि 3 महीने के बाद पेबल है। वाई स्पेंड रुपीज 2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, रुपीज 500 ऑन गोडाउन रेंट एंड रुपीज 300 ऑन इंश्योरेंस। वाई जो है वो खर्च करता है, उसने स्पेंड किए 2,000 फ्रेट एंड कार्टेज पे, 500 रुपए गोडाउन रेंट पे, 300 रुपए इंश्योरेंस पे। ये सब खर्चा हो गया वाई का। अब इसमें मुझे बताओ 2,000 डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट जी, बाकी लोग भी बोला करो प्लीज। सोनिया, अब ये तो हो गया, ये रुपीज 500 गो डाउन रेंट, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, गोडाउन का खर्चा इनडायरेक्ट। 300 इंश्योरेंस पे। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, बिल्कुल। On 31st December 2016, he sent his account sales. Account sales कौन भेजता है? Consignee. क्यों भेजता है? उसमें क्या लिखा होता है? कितना बेचा और कितने का बेचा? क्या बेचा, कितने का बेचा, कितना बचा हुआ है, क्या कमीशन बनती है, क्या खर्चे बने, ये सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो उसी अकाउंट सेल में, और कहता है साथ ही साथ अलोंग विद अमाउंट ड्यू टू एक्स, यानी जो भी फाइनल अमाउंट बचता है वो फाइनल अमाउंट भी उन्होंने पे कर दिया, कंसाइनी ने दे दिया। और क्या लिखा है अकाउंट सेल में, दैट 4/5 ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड। टोटल गुड्स का 4/5 सोल्ड हो चुका है 55,000 में। Y is entitled to a commission of 10%. Y को कमीशन मिलेगी 10%, डन है जी।
one of the customer turned insolvent and could not pay rupees 600 due from him. क्या कहीं पर आपको नजर आ रहा है डेल क्रेडिट कमीशन जैसा कुछ? नो सर, नहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा. तो इसका मतलब ये नुकसान किसका होगा? कंसाइनर. कंसाइनर का. शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ऑल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट. आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और लेजर अकाउंट बनाना है. ठीक है, बिल्कुल आराम से करना बच्चे. यार मेरे जूम में दिक्कत आ रही है, बार बार लॉग आउट क्यों हो रहा है ये? क्या इसलिए मैं चलिए, आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर. यस सर, अच्छे से कर लेंगे इस चैप्टर को, कहीं ना कहीं हमारे 15 से 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे रेक्टिफिकेशन और इसको मिला के. और इस संडे जो संडे आएगा उस पे टेस्ट होगा रेक्टिफिकेशन का, तो जरा अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लेना. पुरानी वीडियोस आपको मिली नहीं होंगी, अब रिकॉर्डेड क्लास का पेज हो गया आपको मिली नहीं? नहीं सर, सिर्फ मैथ्स की मिली. क्या बात कर रहे हो, आपके पास किसी के पास भी नहीं आई रिकॉर्डेड क्लासेस? नो सर. नहीं सर. नो सर. नो सर. आज आज मिल जाएगी भाई पक्का. जो मैथ्स में है एक बार मैथ्स वाले सर को मैसेज डाल देना, ऐप का उन्हीं के पास है कंट्रोल, हमारे सबकी ड्यूटीज बटी हुई है. तो मैं भी एक बार बोल दूंगा, मुझे लगा मिल गई होगी यार मेरी, लेकिन व्यूज तो आ रहे हैं उस पे एक दो, वो कौन देख रहा है फिर? सर लो वाले सर कह रहे हैं आपसे पूछे. हाँ लो वाले सर तो मेरे को ही बोलेंगे, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आगे भेज रहा हूँ उनसे पूछो. मैथ वाले सर को एक बार बोल देना, वो भूल गए होंगे, क्योंकि जिस मैथ की मिल गई आपको? मैथ्स की मिल गई सर. हाँ तो जहाँ मैथ्स की है ना वहीं पर है सारी सब्जेक्ट की आएंगी शायद. हाँ वही आएगी सर, उसी श्री राम एजुकेशन मित्रा पे ही आएगी, उसी ऐप पे आएगी. और मैंने सारी वीडियोस के लिंक भेज दिए थे, मुझे लगा शायद मिल गई होगी, हो सकता है उन्होंने टैग ना किया हो, बिजी रहते हैं सर. एक बार आप भी बोल देना और मैं भी आज बोल दूंगा क्लास के बाद, ठीक है? और शाम तक भी ना मिले तो मुझे मैसेज डाला करो ग्रुप में, वो ग्रुप इसीलिए बनाया हुआ है, तभी मैंने उसमें ऐसा कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं लगाया कि सिर्फ मैं मैसेज करूंगा. बोल दिया करो एक आध दिन में कि सर ये आया नहीं, आपने वादा किया था. रेक्टिफिकेशन का टेस्ट होगा, थोड़ा सा उसका ध्यान रखना. अच्छा जी चलिए, अब मैं आपके साथ क्वेश्चन करने वाला था. आंसर नंबर वन. अब आप इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर नहीं लिखोगे, जो कंसाइनर का नाम है वो लिखोगे. इन द बुक्स ऑफ एक्से जर्नल डेट पर्टिकुलर्स, LF लिखना है तो लिख लो, वैसे कोई जरूरी नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, अब LF का इतना इश्यू नहीं है आप लोगों के पास. सीक्वेंस में चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, चाहे पूरी क्लास में एक क्वेश्चन करो अभी, लेकिन अच्छे से करो क्योंकि बेस बन रहा है. बहुत ज्यादा नहीं करना होता अपने को, 10-15 क्वेश्चन भी करोगे बहुत बढ़िया है, इनफ है. सीपीटी कह रहा हूँ आपका, सीए फाउंडेशन में बहुत अच्छी चीज है कि ये है जो 12th में भी रहती थी, कि जो पढ़ रहे हो जो पढ़ा रहा हो उसी में से आएगा, बाहर से एज सच नहीं आता. और अगर आता भी है तो ये मान के चलो 2-4 मार्क्स का, और वो भी इतने बाहर से नहीं है कि पढ़ाया नहीं होता, बस ये है कि माइंड अप्लाई करना पड़ जाता है वहां पे, तो बड़े प्यार से क्लियर होता है, बस एक आपको एक सिंसेरिटी शो करनी होती है रिवीजन के साथ. अब मुझे बताओ पहली ट्रांजैक्शन किस दिन हुई? 1 जुलाई 2016 को गुड्स भेजे, 1 जुलाई 2016 को गुड्स भेजे, कितने के गुड्स थे? 50,000 के. क्या एंट्री करोगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट. गुड. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50,000. ध्यान से देखना, कंसाइनमेंट अकाउंट में आप ही को बोलूंगा इसका बनाने के लिए.
कंसाइनमेंट अकाउंट में ये किस साइड आ जाता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। बिल्कुल, जस्ट लाइक परचेज, ये आपकी एक एंट्री हो गई बीइंग गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसके बाद इसी डेट पर उसने खर्च किया है 1000 रुपए कंसाइनर ने, क्या एंट्री करोगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब अगर आपने इसकी थोड़ी सी भी रिवीजन की होगी आज की क्लास से पहले पुराने वाले की, तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, वरना हल्का फुल्का डाउट होगा। अभी भी हाथ से बाहर बात नहीं गई है, रिवाइज कर लेना आज का और पिछले क्लास का, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर तक भी अगर रिवाइज नहीं करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ समझ आना बंद हो जाएगा कंसाइनमेंट। प्लीज ध्यान रखना। अब ये आपका खर्चा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। टू, कुछ एक रखना है कैश या बैंक, मैं बैंक रख रहा हूं, टू बैंक अकाउंट, 1000 1000, बी एक्सपेंसेस पेड बाय कंसर्न। और नरेशन को बहुत ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, वरना मैं सीधा लिख देता बीइंग एक्सपेंसेस पेड बीइंग गुड सेंट, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नरेशन होनी चाहिए बस। इसके बाद क्या हुआ, 3 जुलाई को वाई को गुड्स रिसीव हुए और उसने एडवांस पे कर दिया 30,000, ठीक है जी। तो 3 जुलाई को आपको एडवांस के तौर पर बिल ऑफ एक्सचेंज मिला, एज अ कंसाइनर आपके लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल्स रिसीवेबल। गुड, ईयर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। बिल्कुल, बस कंसाइनी का नाम लिखना है। ये 50,000 का आपका बीआर आ गया, बीइंग बीआर रिसीव। अब इसी 3 जुलाई को, इसी 3 जुलाई को उसने खर्चा भी किया है, कितना? 2500 300, टोटल कितना हो गया, टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, दोबारा टोटल कर लो भाई, 2000 + 500 + 2500 + 300 2800 2800 रुपए का खर्चा हुआ, क्या एंट्री करोगे? 2000 का कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू टू कंसाइनी, लेकिन कंसाइनी का नाम लिख लेना जी। ₹2800 बीइंग एक्सपेंसेस डन बाय कंसाइनी या डन बाय वाई, ये आपको 3 जुलाई को मैंने 2 एंट्री करा दी। गुड्स उसको रिसीव हुए, गुड्स रिसीव होने की कोई एंट्री नहीं होती। अब 31 दिसंबर को, अब सुनो मेरी बात, क्या 31 दिसंबर को एंट्री करूं या उससे पहले कोई एंट्री नजर आ रही है आपको, अब बताओ मुझे। नहीं सर, वो बिल्स वाली होगी शायद। बिल्स वाली होगी, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, ये थोड़ा सा हिडन एडजस्टमेंट खेल गया, ये 3 महीने का बिल पेबल था, और 3 महीने का बिल पेबल का मतलब क्या है, अब आप जुलाई से कम मिला था आपको ये 3 जुलाई को, तो जुलाई से लगा लो, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर में 3 दिन और जोड़ लो ग्रेस डेज, तो 6 अक्टूबर 2016 को आपको ये बीआर कलेक्ट हुआ होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 50,000 50,000 30,000 क्यों,
यस सर 30,000 है वहां पे क्वेश्चन में। अच्छा मैंने ऊपर नहीं बताया फिर आपने, ऊपर भी गलत किया मैंने। Being BR realized, आपका BR realized हो गया, आपका BR realized हो गया 6 अक्टूबर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओगे आप 31 दिसंबर को सीधा सीधा, जो 31 दिसंबर को आपको अकाउंट सेल दिया हुआ है अब उसका यूज हो जाएगा। और 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग आपने सेल की है, कितने की सेल की है 55,000 की, तो 55,000 की सेल की एंट्री क्या करोगे? कंसाइनी पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, जी वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, सेल हम वर्ड यूज नहीं करेंगे, टू कंसाइनमेंट। कितने की सेल हुई है? सेल वैल्यू 55,000 being sales made, आगे बढ़ो। इसी डेट पे कमीशन की एंट्री करोगे आप, कमीशन था 10%, अब ये 10% किसका निकलेगा? 55 इस 55,000 का, तो 5,500 की कमीशन हो गई कंसाइनमेंट के लिए खर्चा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी 5,500 बीइंग कमीशन ड्यू टू वाई, कमीशन ड्यू हो गया किसको? वाई। बताओ जी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ही लोग जवाब दे रहे हैं मेरे को। तो अब इसके बाद मुझे निकालना है एक क्लोजिंग स्टॉक, मुझे निकालना है क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर 2016। क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब वैल्यूएशन कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट कितनी थी जो गुड्स आपने भेजे थे? 50, उसमें से कितना सोल्ड हुआ है अभी? 4/5, तो कितना बच गया? 10,000। एक्से के खर्चे, एक्से के खर्चे कितने थे? 1,000, और उस 1,000 का भी आप प्रोपोर्शनेट करोगे 1/5, 200। वाई के डायरेक्ट एक्सपेंस लेना, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? 2,000, 2,000 का 1/5, 400, टोटल कितना हो गया? बताओ भाई, किसी को कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये आपका कंसाइनमेंट स्टॉक आ गया। अब आपको आखिरी में एक एंट्री निकालनी है बच्चे, जिसमें ये पता करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कैलसी है आपके पास? मेरे पास नहीं है शायद अभी। सर है? यस सर है। तो अब आप निकालोगे इसका प्रॉफिट या लॉस, कैसे निकालोगे वो देख लो। जहां जहां पर आपका कंसाइनमेंट क्रेडिट हुआ होगा, कहां क्रेडिट हुआ है ये रहा, इसको टोटल करो, लिखो 55,000 प्लस 10,600, 55,000 प्लस 10,600। अब जो ये तो हो गया क्रेडिट का आपका टोटल, अब इसमें से जो जो डेबिट हुआ उसको माइनस करते रहो, माइनस 5,500
-2800। क्या सर? भाई जो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको माइनस कर दो। अब दोबारा बताऊं सर, डेबिट नो सर, और 700 बता दो। 5700 ये आपका कंसाइनमेंट है, ये डेबिट हो गया, ये माइनस हो गया होगा, ये माइनस हो गया होगा और ये 2800 माइनस हो गया होगा। अब कितना आंसर आ रहा है? 6300। 5700। बाकी बताओ। मुझे ही करना पड़ेगा क्या? तीन ही लोग आंसर दे रहे हैं, बाकियों के पास कैलसी नहीं है अभी। सोनिया कैलसी है? यस सर। ठीक है आशु, एक बार दोबारा बता दे कैसे। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट वाले ढूंढने हैं भाई पहले। तो जैसे ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट वाले का टोटल कर रहा हूँ मैं। 55 सेल का था और एक ये था हमारे पास क्रेडिट, प्लस 10,600। इसमें से अब जो जो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है वो माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ तो माइनस हो गया 5500। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर यहाँ पर डेबिट हुआ कंसाइनमेंट अकाउंट, ये माइनस हो गया 2800। उसके बाद यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ, 1000 के खर्चे थे, ये माइनस हो गए, -50,000। तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 6300। बिल्कुल सर। हाँ सर, आ गया है तो। हाँ बिल्कुल 6300 सही है। अब इसकी एंट्री होगी आपके पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 6300 बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। सर बैड डेट की एंट्री नहीं की क्या? हाँ बैड डेट की एंट्री नहीं की हमने, बैड डेट की एंट्री रह गई। तो पहले बैड डेट की एंट्री करो 600 की। रुक जाओ, फिर अभी इसको हटाना पड़ेगा मुझे। मेरी बैड डेब्ट की एंट्री रह गई, क्या एंट्री करोगे बैड डेब्ट की? आपका नुकसान है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी बीइंग बैड डेब्ट, बैड डेब्ट लॉसेस रिटर्न ऑफ। अब प्रॉफिट कितना आ जाएगा? क्योंकि जी 5700, अब ये प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब प्रॉफिट आ गया आपके पास 5700, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5700 बीइंग प्रॉफिट, ये टी ऑब्लिक एफ लिखूंगा मैं, ट्रांसफर टू पी एन एल अकाउंट। अब तो हो गई सारी कनक, कोई एंट्री तो नहीं रही हमारी। सर एक बार क्वेश्चन शो करना ये रहा सर, लीजिए। सर वहां पर जो आपने बैड डेट की एंट्री की है, वो कंसाइनर का लॉस नहीं हुआ? हाँ कंसाइनर का लॉस हुआ, आपने यहाँ कंसाइनी का कर रखा। नहीं मैंने कंसाइनी का नहीं कर रखा। हुआ क्या है भाई, वाई ने मेरे लिए सेल की होगी 55,000 की, तो मुझे उससे 55,000 लेना था। आप देखो मैंने वाई को जहां सेल हुई थी तो मैंने वाई को अपना डेटर बना लिया था, ये रहा,
क्योंकि मुझे वाई से पैसा लेना है 55,000, लेकिन अब मान लो मैंने वाई को बोला कि भाई लाओ मेरे 55,000, तो वो क्या बोलेगा, सर 600 रुपए का तो बैड डेट हो गया था, वो हटाऊंगा, तो मैं भी बोलूंगा हाँ जी सर बिल्कुल हटाओगे क्योंकि नुकसान तो मेरा है, तो इसीलिए आ गया सर, समझ आ गया सर। ठीक है सर, और किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज, क्योंकि डाउट पूछते हो तो मुझे भी लगता है हाँ आप समझ रहे हो। अब इसको नोट कर ले फटाफट से एक बार। सर क्वेश्चन का ले जाते मतलब उसमें क्या बना रहा है, कौन कौन सा अकाउंट? कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट दो बनेंगे, एक और बनाऊंगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो आप एक बार इसको करो पहले नोट, हो जाए तो मुझे बताना, फिर मैं लेजर बनवाऊंगा आपके साथ। सर अकाउंट्स की क्लास में भी कैलकुलेटर ले जा सकते हैं? हाँ अलाउड है, कैलकुलेटर तो आप एक परचेज कर लो, और एक चीज ध्यान रखना, जो कैलकुलेटर और पेन आप यूज कर रहे हो वही कैलकुलेटर और पेन यूज करते रहना हो तो सोच समझ के चुनना, क्योंकि आप बार बार चेंज करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैलकुलेटर एक 100 रुपए का आता है, सिंपल कैलकुलेटर होता है, बहुत ज्यादा हैवी और साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। अगर कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है बड़ा भयंकर सा, वो नहीं चलेगा, नॉर्मल कैलकुलेटर चलेगा। तो नॉर्मल कैलकुलेटर, एक सेकंड रुको, मैं चलो नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा दूंगा, वैसे आपने देख रखा होगा छोटा सा कैलकुलेटर तो है। हाँ तो 100-150 रुपए का आता है, कहने का मतलब है जो यूज कर रहे हो वही यूज करना अब लास्ट तक। बोर्ड कह रहा हूँ आपके सीए एग्जाम में अलाउड है कैलकुलेटर। हो गया सर ये नीचे तक हो गया सर, दो एंट्रीज रहेगी एक। खुशदीप यस सर, आज आपकी आवाज नहीं आ रही, कम आ रही है? अब आई सर? नहीं मतलब वो आओ आएगी तो पहले भी जब बोलोगे, बोल ही नहीं रहे आज आप, कम बोल रहे हो?
नहीं सर। अच्छा सर, वो मतलब पूछना था कि रजिस्ट्रेशन तो हो गया पर बुक्स का क्या करना है, मतलब वहाँ पे कैसे ऑर्डर करें, हो नहीं रही है वो बुक्स, ऑर्डर नहीं हो रही है आपका, वो लॉगिन पोर्टल खुल गया होगा लॉगिन आईडी पासवर्ड से? हाँ जी सर वो तो खुल गया। उसमें क्या स्टेटस शो कर रहा है? वो पापा को पता है वो, मैं आपको क्लास के बाद पापा आएंगे जब फोन कर लूं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। फोन कर लेना वरना ज्यादा अच्छा ये है कि आईडी पासवर्ड एक बार मेरे साथ शेयर कर देना व्हाट्सएप पे। अच्छा सर हाँ। तो होता क्या है ना, ऑफिस में आर्टिकल हैं जो बच्चे हैं जो सीए इंटर में या फाइनल में, तो उन लोगों को आइडिया थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मैं दिखा के कंफर्म करा लूंगा कि सब ठीक है कि नहीं। ओके सर चलो जी। मेरे पास तो पहले कल मेल आई, मैंने कल ही ऑर्डर करी बुक्स। हाँ वो मेल आएगी आपके पास, एक अभी वो एक मेल आएगी उसमें ऑर्डर होगा, मतलब थोड़ा टाइम लगता है, 15-20 दिन का समय लगता है इनके, फिर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। अब आप में से दिल्ली से बाहर कौन कौन है? सर मैं हरियाणा से। कनक आप कहाँ से हो? मैं मध्य प्रदेश इंदौर। और हर्षित भी शायद मध्य प्रदेश से ही है। यस सर इंदौर। अच्छा अच्छा गुड। इंदौर आया था मैं एक बार, बड़ा अच्छा, अभी पीछे उसको एक वो अवार्ड भी मिला था ना सबसे क्लीन सिटी का। सर 5 साल से मिल रहा है कंटिन्यू। तो मैं आया था अभी इंदौर। इंदौर में ही है ना वो एक गली है शायद, वो स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है इंदौर। हाँ हाँ क्या नाम है? सराफा। और 56 भी। मैं आया था अभी, मतलब कब तो नहीं, काफी टाइम हो गया, 2-3 साल पहले आए थे, अच्छे लगी थी मुझे। लेकिन पहले मेरे फेवरेट थी चंडीगढ़, फिर मैं इंदौर आया तो इंदौर चंडीगढ़ से भी ज्यादा क्लीन सिटी है। अच्छा चलो जी, तो यहाँ तक हो गया। हाँ मैं ये पूछ रहा था, ठीक है तो आप तीन ही हो बेसिकली ना, ये खुशदीप शायद हरियाणा से है। यस सर। बाकी तो सब दिल्ली से ही है। अब मैं इसमें ना लेजर बोला है आपको, तो लेजर में मैं बना रहा हूँ आप लोगों के साथ सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट, सेम रहेगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, सेम चलेगा। मैंने ओपन किया कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा मैंने आपको बताया था कि अगर डेट्स हैं क्वेश्चन में तो आप लेजर में डेट्स भी डालेंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट उसकी जरूरत नहीं है जेएफ की, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसमें आप पोस्टिंग करेंगे अपनी जर्नल से, जर्नल से कर लो या फिर मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूं। मैं जर्नल से इसलिए पोस्टिंग नहीं करा रहा क्योंकि आपके पास ना क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, और आपको हर क्वेश्चन वैसे हर क्या किसी भी क्वेश्चन में कभी भी एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि जर्नल भी बनाओ और लेजर भी बनाओ ना, एक ही चीज मांगेगा आपसे, और 99% चांस है कि लेजर मांगता है। तो इसलिए मैं उसी हिसाब से आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ। जैसे 50,000 के गुड्स सेंट हुए 1 जुलाई 2016 को, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसी डेट पर उसका खर्चा हुआ था कंसाइनर का, टू बैंक अकाउंट 1,000। फिर ये कंसाइनी के पास पहुंचे, कंसाइनी का खर्चा हुआ टू वाई अकाउंट कमीशन 2,800 का, ठीक है जी। इसके बाद 31 दिसंबर को आपको सेल दे दी गई,
by Y account 55,000 by Y account 55,000 और इसी पे इसकी कमीशन निकली टू Y अकाउंट, यहां पे एक्सपेंसेस लिख दो टू Y अकाउंट। कनक आवाज नहीं आई बच्चे, ऐसा लिखना जरूरी है क्या? हाँ जी जरूरी है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पूरा शो करना है अपने को। 31 दिसंबर 16 को बैड डेब्ट भी हुए थे, तो वाई अकाउंट बैड डेब्ट कितना 600 और लास्ट में हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला था जिसको मैं लिखूंगा बाय कंसाइनमेंट इन्वेंटरी, कितना कैलकुलेट हुआ था 10,600। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और डेबिट साइड को माइनस करते हैं तो आपका प्रॉफिट आता है टू पीएनएल अकाउंट 31 दिसंबर 2016 बैलेंसिंग फिगर, एक बार और आप चेक कर लेना, 5700 का प्रॉफिट आ रहा था। बताओ भाई कोई डाउट हो किसी को? नो सर। ठीक है जी, अब इसी क्लियर है सर। कंसाइनमेंट के बाद हमारे पास अकाउंट ओपन होगा वाई अकाउंट, वाई यानी कंसाइनी अकाउंट, डेट एक बार देख लो उसके बाद एक साथ नोट करवा दूंगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब कहां जहां जहां वाई आया है, जैसे 3 जुलाई को खर्चा हुआ 2800 का, 3rd of July 2016 बाय कंसाइनमेंट, और पता है यहां भी लिखना है आपको बाय कंसाइनमेंट, यहां भी लिखना है ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 2800। उसके बाद 31 दिसंबर को कमीशन एंड बैड डेब्ट के नाम के काटेगा ये, बाय कंसाइनमेंट कमीशन 5500 बाय कंसाइनमेंट बैड डेब्ट 600। 31 दिसंबर को आप देखोगे आपको डेबिट साइड पे भी नजर आ रहा था वाई, किस चीज का था ये, सेल हुई थी टू कंसाइनमेंट सेल्स। अच्छा इससे पहले एक चीज और आनी थी, 3 जून को शायद उसने एडवांस दिया था ना, 3 जून को था, कब था, 3 जुलाई को 30,000 जो उसने एडवांस दिया था टू बिल रिसीवेबल 30,000। अब जो भी आपका फाइनल अमाउंट बनता है वो फाइनल अमाउंट आपको बैंक से पे कर रहा है वो 31 दिसंबर 2016 85,000 आपका क्रेडिट में आएगा। कहाँ लिखूं यहाँ लिख दूं सर।
कितना 30,000 अब मैच करो कितना बैलेंस बच रहा है आपके पास 16,100 एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ 16,100 ठीक है जी 30,000 माइनस 5,500 माइनस 16,100 ये आपका बैलेंसिंग एक बार नोट कर लीजिए done sir क्लास को इसी टाइम पे कंटिन्यू रखें फिर अभी Yes, sir. अभी क्या है ना क्लास को इसी टाइम पे रखते हैं अभी शायद संडे को आपकी क्लास है ना इको की yes, sir. और मंडे को किस टाइम होती है इको क्लास 10:30 होती है ना वो तो हाँ हाँ तो ठीक है जब तक तो अपनी ओवर हो जाएगी तो अभी इसी टाइमिंग पे रखते हैं क्लास को मंडे वेनेसडे फ्राइडे 8:30 AM शाम तक थोड़ा सा थक जाते हैं फिर जोश से नहीं पढ़ा पाते हो गया ये कि हो रहा है हो गया सर सर हो गया सबका हो गया हाँ सर ठीक है एक इसमें आपको बनाना है एक और लेजर में दिखा रहा हूँ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बहुत कम ऐसा होगा बहुत कम चांस है कि ये आपसे मांगा जाएगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट आपने पूरी जर्नल एंट्रीज में सिर्फ एक जगह गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखा था और वो भी क्या था पहले वाला तो अब अगर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का लेजर बन रहा है तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है तो आप गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दोगे नाम क्या डाल दोगे डेबिट वाले का यानी बाय कंसाइनमेंट बाय
कंसाइनमेंट, और इसमें ना बैलेंसिंग फिगर ही मान लो इसको, ये आपका आया कहां से है, ट्रेडिंग अकाउंट से। मैं बताता हूं क्या करा ये, हुआ क्या है, बस इतना सा अकाउंट है, मैं समझाता हूं हुआ क्या है। देखो जो कंपनी है ना एक्स से, उनके हेड ऑफिस में, इन हेड ऑफिस आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होगे, उस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में आ रहा होगा आपके पास टू परचेजेस या फिर टू ओपनिंग स्टॉक, और इसमें से ही, इसी में से आपने कुछ माल गुड सेंड करे होंगे कंसाइनमेंट। और यही वाला माल जो है ये इसीलिए यहां से उठ के यहां जा रहा है, देख लो भाई, जो माल आपने कंसाइनमेंट पे भेजा वो आया कहां से, ट्रेडिंग अकाउंट से आया, क्योंकि सारा माल तो ट्रेडिंग में डेबिट में पड़ा है। तो जो भी माल जाएगा, चाहे सेल होके जाए चाहे आप कंसाइनमेंट पे भेजो, वो जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही, तो इसीलिए यहां पे आ रहा है टू ट्रेडिंग अकाउंट और वहां पे आ रहा है बाय कंसाइनमेंट। बताओ कोई डाउट हो तो। सर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे तो इसकी भी एंट्री करेंगे ना? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे हम, बेसिकली कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है सर। उसकी एंट्री नहीं होगी कहीं पर भी, उसकी जरूरत नहीं है। ये तो आपसे गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनवाया था तो हमने बना लिया, वरना जनरल एंट्रीज में इसकी जरूरत नहीं होगी आपको। ओके सर, नोट कीजिए। ठीक है जी, तो अभी मैं यही रोक रहा हूं एक बार, क्योंकि अब आगे करूंगा तो टाइम चाहिए होगा। आज के लिए इतना ही बहुत है, आप इसी की एक बार रिवीजन करना, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे अगले टॉपिक्स और अगले क्वेश्चंस की तरफ पढ़ूंगा, ठीक है जी। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी ग्रुप में, अभी आ जाएगी आप 5 मिनट। ठीक है जी, बाय बाय। बाय सर। मंडे मिलूंगा सेम टाइमिंग। ओके सर। चलिए बाय बाय।